सऊदी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद क्या कदम अगला होगा? सर प्रसाद मौर्य अभी नाराज है, सर क्या कुछ कहेंगे? अभी नाराजगी आपकी लगातार बनी हुई है, मान मनोबल जो दिल्ली में मैंने कार्यकर्ताओं को बुला रखा है, रायशुमारी होगी, जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा वही मेरा निर्णय होगा। वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, जो पार्टी बनाने का होगा, नहीं बनाने का होगा, जो भी निर्णय कार्यकर्ताओं का होगा उसी निर्णय को सुनाया जाएगा। पत्र जो आपने दिया था अखिलेश यादव जी को, उसको लेकर कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ नाराजगी रही? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पत्र को गंभीरता से नहीं लिया, गंभीरता से लिए होते तब तक वार्ता हो गई होती, इसलिए अब कदम मैं आगे बढ़ा चुका हूँ, अब वार्ता की गुंजाइश खत्म। क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने बिल्कुल आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया? अब पार्टी के प्रति कितने गंभीर है इससे अपने आप पता लग जाता है। बीते चुनाव में भी जिस तरीके से आपके आने के बाद समाजवादी पार्टी है बेहतर प्रदर्शन किया था, उसको कैसे देखते हैं? अब इसमें कोई दौरा नहीं, मैं तो ईमानदारी से पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए ही आया था, उसका असर भी 2022 चुनाव में दिखाई पड़ा। 2022 के पहले जिस समाजवादी पार्टी के पास 45 विधायक थे, आज उनकी संख्या 111 तक पहुंची। मैंने इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा करने की कोशिश की, उसी का नतीजा था कि आते ही ग्राफ 6.5% इकट्ठा बढ़ा और मैं इसी अभियान में लगा हुआ था, लेकिन अभी मेरे अभियान की हवा पार्टी की ही स्वयंभू राष्ट्रीय महासचिव एक एक करके निकालना शुरू किए, जिसके नाते निचले पायदान के कार्यकर्ताओं में भी अनुशासनहीनता बढ़ी और जिसको नहीं भी बोलना चाहिए था वो भी अनाप साहब बयानबाजी करने लगे। अखिलेश जी को सारी जानकारी होने के बावजूद भी किसी प्रकार की अनुशासनहीनता का कार्रवाई न किया जाना उनकी मौन सहमति दर्शाती है, तो स्वाभाविक रूप से अब बात आगे बढ़ गई है, मैंने भी कदम आगे बढ़ा दिया है। अब तय होगा दिल्ली में 22 फरवरी को कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के बाद क्या निर्णय लिया जाना। तरुण प्रकाश आज पहले चुनाव के बाद नाराज, सबसे पहले नाराज वो हुए थे, उन्होंने कहा थे एसी से उनको बाहर आना चाहिए, उसके बाद लगातार एक के बाद नाराजगी हुई, अभी जिस तरीके इंडी गठबंधन में वो हैं और उसके बाद आरएलडी भी बीजेपी की तरफ लगातार जो बात हो रही है, कांग्रेस को भी लेकर लगातार जो बातें हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं, अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर भी आपके पल्लवी पटेल जी की नाराजगी देखी, क्या लगता है समाजवादी पार्टी का क्या होगा भविष्य? देखिए अभी समाजवादी पार्टी का एक सदस्य होने के नाते मैं इंडिया अलायंस का पार्ट था, मैं इंडिया अलायंस का पार्ट अभी भी हूं, इसलिए कौन क्या कहता है, कौन कहां रहता है, कौन कहां जाता है, माने हो नहीं रखता है। हम इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, देश की महिलाओं, गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, किसानों के हित में जो होगा वो निर्णय लूंगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आज लोगों के बीच में बेनकाब हो गया है कि किस तरीके से सत्ता में आने के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों के आरक्षण का गला घोटा जा रहा है, आज देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है, दोगुना लाभ दिलाने का वादा करने वाले किसानों को आज तक दोगुना लाभ नहीं दिला पाई है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, देश की राष्ट्रीय संपत्तियां बेची जा रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से आज देश भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, आरक्षण भी खतरे में है, जातवार जनगणना कराने से कतराने वाली भाजपा हर दृष्टिकोण से लोगों में बेनकाब हो चुकी है, इसलिए वहाँ आने जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता, और फिर जो आरक्षण विरोधी है उसके साथ आरक्षण समर्थक संस्था मेरा खड़ा कैसे हो सकता है? 22 तारीख घोषणा को लेकर कई और लोगों को चर्चाएं हो रही, और भी नेता भी शामिल हो सकते हैं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा आपको इंतजार करना चाहिए 22 फरवरी का। धन्यवाद स्वामी प्रसाद मौर्य, साफ तौर पे विभाग बोलते हैं और साफ तौर पे उन्होंने साफ कर दिया है कि जल्द ही क्या कुछ अगला कदम होगा वो भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी वो वापसी के रास्ते उन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिए, यानी कि अब समाजवादी पार्टी के साथ उनका रिश्ता है एक तरीके से माना जाए खत्म हो चुका है। कफील के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ।